चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, हाउ आर यू? आई होप सारे बच्चे जबरदस्त होंगे। टाइम ऑफ सप्लाई आपने देख लिया होगा। अब हम शुरू करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। सप्लाई कब है, कब हुआ, ये तो समझ में आ गया। बट अब जब जीएसटी लगाने की बारी आ गई है तो कितने अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगाए वो हमको बताता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितने अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगाया जाए ये हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई बताता है। आगे शुरू करने के पहले एक बात है कि भैया, बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम बच्चों ने कर रखा है, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब थोड़ा हौसला, थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिले, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग देखने वाले कि भैया कितने अमाउंट पे जीएसटी लगता है। अब पहले आगे बढ़ने से पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, कोई भी सप्लायर ये चाहेगा कि भैया कम से कम वैल्यू दिखाए गुड्स की या सर्विस की, कम से कम वैल्यू दिखाए, सो दैट जीएसटी कम अमाउंट पे लगे। अब कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपसे 10,000 रुपए ले रहा हूं कोर्स के, अब मैंने क्या करा, 10,000 के जगह पे लिया 6,000 और 4,000 किसी अलग अलग नाम से लिया, तो ये 4,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा? सेकेंड केस, मैंने आपको बोला भैया एक काम करो, मेरे को तो 8,000 दो, बट 2,000 रुपए मेरे को किसी और को देने हैं, आप मेरे बिहाफ पे उसको दे दो, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये सारा का सारा हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखेंगे। देखो, नॉर्मल केस में जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ गुड्स खरीदता है या सर्विस लेता है और उसको बदले में कुछ रुपए देता है, मतलब जो अमाउंट पे वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं। ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कहता है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है, बट इसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि जो सप्लायर और रेसिपिएंट है ये रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटेड पर्सन है तो भैया इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर शक है हमको, इसके लिए हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं मानेंगे। सेकेंड, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, मतलब जो पैसा सप्लायर को मिला है इस सप्लाई के बदले सिर्फ वही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और मिला है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, दो कंडीशन है। पहला, बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी नहीं होना। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और मिलना नहीं चाहिए, यह बताता है सेक्शन 15(1). 15(2) बताता है कि कौन सी चीजों को वैल्यू में इंक्लूड करना है, मतलब इन पे भी जीएसटी लगेगा। जैसे पहला है टैक्सेस, अपन ये पन्ने पे आ जाते हैं। पहला है भैया टैक्सेस, कहते हैं कि भैया आपने जो गुड्स या सर्विस सप्लाई करी उसके साथ में जो भी नाम से जो भी टैक्स ले रखा है, जीएसटी को छोड़ के जो भी टैक्स ले रखा है उस पे भी जीएसटी लगेगा। हां जी, टैक्स पे भी टैक्स लगने वाला है। जो बचपन में कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे उसका क्या था, वो तो क्रेडिट वेडिट दे दे रहे थे, वो निपटा दिए, बट जीएसटी के अलावा अगर आपने कोई टैक्सेस ले रखे हैं तो वो टैक्सेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होंगे और उन पे भी जीएसटी लगेगा, याद रखना है बात। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एक्सेट्रा इफ चार्ज सेपरेटली, अगर अलग से चार्ज करे तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होंगे, बट जीएसटी को छोड़ के। जीएसटी और जीएसटी से रिलेटेड कोई भी अगर सेस है, लेवी है, तो उसमें नहीं लगेगा। बट यहां पे एक नोट दे रखा है कि भैया टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक इंटरिम लेवी है, फाइनल लेवी नहीं है, ठीक है। टीसीएस कभी भी दिखा तो याद रखना इस पे जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट टैक्सेस को। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट बाई थर्ड पार्टी, सॉरी, पेमेंट बाई रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये क्या बोलता है? देखो, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना कि भैया आप 10,000 में से मेरे को 8,000 दे दो और 2,000 किसी और बंदे को देना जिसको देने के लिए मैं लायबल हूं। फॉर एग्जांपल, आप मेरे से आए, अब मेरा प्रिंटिंग का बिल था 2,000 रुपए का पेंडिंग, उसको मेरे को पैसे देना था, तो मैंने बोला भैया आपको एक काम करो, आप मेरे को 8,000 रुपए दे दो और 2,000 रुपए मेरे को ना देते हुए जिस प्रिंटिंग वाले को मेरे को पैसे देने हैं आप उसको दे दो। सप्लायर की ऑब्लिगेशन अगर रेसिपिएंट फुलफिल करता है तो जो रेसिपिएंट ने थर्ड पार्टी को पेमेंट दिया है
वो भी मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा इफ सच पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। बट मतलब अगर 10,000 का इनवॉइस बना के मैंने आपको दिया और ये बताया कि 8,000 मेरे को मिले, 2,000 आपने प्रिंटर वाले को पे कर दिया, तो भैया फिर वो केस में लफड़ा नहीं है। बट अगर थर्ड पार्टी को पेमेंट किया गया रेसिपिएंट द्वारा, जो सप्लायर का बर्डन था, जो सप्लायर की जिम्मेदारी थी, जो सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा और उस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, थर्ड केस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अभी लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे को पता है कि भैया 10,000 रुपए पे जीएसटी लग सकता है, तो मैं क्या करूंगा 8,000 आपसे गुड्स के नाम पे लूंगा और बचे हुए 2,000 बारीक चिरिक पैकिंग के नाम से, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, वेस्टिंग, ये नाम से चार्जेस लूंगा। तो कहते भैया अगर आपने गुड्स से इंसिडेंटल चार्जेस, गुड्स से रिलेटेड चार्जेस अलग नाम से लिए है तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये पैकिंग चार्जेस। पहले जब चलो छोड़ दो, अभी मैं सिंपल रखता हूं, कोई भी टाइप की पैकिंग हो, नॉर्मल पैकिंग, कस्टमाइज पैकिंग, स्पेशल पैकिंग, लसन पैकिंग, अदरक भजा कांदा, कोई भी पैकिंग हो, वो पैकिंग चार्जेस पे जीएसटी लगेगा अगर सप्लायर ने अलग से पैकिंग चार्जेस लिए है तो। वो पैकिंग चार्जेस भी वैल्यू ऑफ गुड्स में आ जाएगा क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, वो बंदा मेरे से गुड्स खरीदने आया था, पैकिंग करवाने नहीं, समझे। हाँ, कमीशन एजेंट को दिया है और रेसिपिएंट से रिकवर किया है, मतलब मैंने आप मेरे पास आए गुड्स खरीदने, मैंने बोला भैया मेरे को कमीशन पे करना पड़ा एक एजेंट को 1,000 रुपए, आप दो मेरे को, तो एजेंट को कमीशन पे करना मेरी जिम्मेदारी थी, आपसे क्यों लिया, आपसे लिया मतलब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो गया। इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन चार्जेस, सर्टिफिकेशन चार्जेस अगर रेसिपिएंट को अलग से बिल करा गया है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस सिंस चार्ज फॉर समथिंग डन एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई। देखो सप्लाई जब आप कर रहे हो ना, ये सप्लाई करके उसको देने तक भैया जो भी चीजें है, जैसे पैकिंग है, इंस्पेक्शन करके देना है कि भैया चल रहा कि नहीं चल रहा, या अगर कोई मशीन वशीन लेते हो तो ISO सर्टिफिकेशन होता है। अब सोचो अपन मशीन लेने गए, उनने बोला 50,000 की मशीन है और 10,000 अलग से ISO सर्टिफिकेशन चार्जेस के नाम से, सिंपल सी बात है 60,000 रुपए ले भाई, 60,000 पे जीएसटी लगेगा, बट हमको जीएसटी बचाना है तो 50,000 हमने गुड्स के नाम पे लिया और ये बोला 10,000 रुपए वो तो इंस्पेक्शन चार्जेस लग गए, सर्टिफिकेशन जो ISO का सर्टिफाइड है ना उसके चार्जेस लगे, तो उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। फिर वेइंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बिफोर द सप्लाई। मैं बोला देखो आपने अपने हिसाब से बोला था ऐसे ऐसे डिजाइन बना के देना, तो ये डिजाइनिंग के चार्जेस अलग से लिए, 5,000 गुड्स के लिए और 1,000 डिजाइनिंग के चार्जेस लिए। अब ये 1,000 क्या डिजाइन करा, गुड्स ना, तो इसको पूरा गुड्स में इंक्लूड करो, 6,000 पे जीएसटी लगेगा भैया। ठीक है, अब आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांसिट और इंश्योरेंस। आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस की बात करते हैं, मतलब फ्रेट एंड इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं बेसिकली। देखिए फ्रेट एंड इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक्स फैक्ट्री बेसिस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि भैया मेरी दुकान यहाँ है, मेरी फैक्ट्री यहाँ पे है, आप आइए मेरी फैक्ट्री से सामान लेके जाइए, मैं आपको सिर्फ सामान बेचूंगा, ट्रांसपोर्टेशन आपको देखना है, जब ले जा रहे हो अगर बहुत दूर ले जा रहे हो इंश्योरेंस करवाना है तो वो आपको करना है। तो एक्स फैक्ट्री बेसिस में सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स के चार्जेस लेता हूं, फ्रेट आपको भरना है, इंश्योरेंस आपको करवाना है एक्स फैक्ट्री बेसिस। और दूसरा होता है CIF कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा, मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा, हाँ आपके दुकान पे आपके फैक्ट्री में सामान आ जाए, ऐसा मैंने बायर को बोला तो मैंने उससे क्या लिया, कॉस्ट लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लस मैंने बोला भैया भाड़े का भी पैसा तेरे से ही लूंगा, पहुंचा मैं दूंगा पर भाड़े का पैसा तेरे से लूंगा, प्लस इंश्योरेंस के चार्जेस। ये गुड्स डिलीवरी और इंश्योरेंस, ये तीनों कंपोजिट सप्लाई है जिसके अंदर मेन सप्लाई का है गुड्स का, तो गुड्स पे जो चार्जेस, गुड्स पे जो रेट से जीएसटी लगता है वो डिलीवरी चार्जेस और इंश्योरेंस के पैसे दोनों पे लग जाएगा, क्योंकि गुड्स में गुड्स के रेट लगेंगे और ये डिलीवरी इंश्योरेंस इस पे कौन सा रेट लगेगा, ये तो सर्विस होगी सर, तो इन पे सर्विस का रेट लगना चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई, डिलीवरी काहे के लिए, गुड्स की ना, तो प्राइमरी सप्लाई मेन सप्लाई क्या हो गया,
मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुआ? गुड्स। तो गुड्स का रेट पूरे के पूरे सप्लाई पे लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया जो CIF कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसके केस में जो टोटल वैल्यू होती है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उस पे GST लगता है। मतलब 15(2) बोलता है कि भैया जो इंश्योरेंस है और जो फ्रेट का पैसा आपने लिया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। और इस पे कौन से रेट लगेंगे? गुड्स वाले रेट लगेंगे। ठीक है, फिर ये इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई में बताया, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। प्लस इसको हमेशा इंक्लूसिव मानते हैं, इसको हमेशा इंक्लूसिव ऑफ GST मानते हैं। मतलब अगर आपको 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो 1000 रुपए वैल्यू में इंक्लूड होगा, प्लस इस पे GST देना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहता। ये 1000 रुपए को 1000 / 118 × 100 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, इंक्लूसिव ऑफ GST मानते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST का कैलकुलेशन कैसे होता है पता है ना, कि अगर कोई पैसे में इंक्लूसिव ऑफ GST है तो वो केस में, जैसे आपको मिले हैं 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ GST एट 18%, तो आप क्या करोंगे, 1,18,000 / 118% 100% वैल्यू का प्लस 18% GST का इंटू 100% करके वैल्यू निकालोगे, जो कि आ जाएगी 1,00,000। या फिर आप डायरेक्टली GST निकाल सकते हो, 1,18,000 / 118% इंटू 18% करके आप डायरेक्टली GST निकाल सकते हो, जो कि आ जाएगी 18,000। ठीक है, अब देखो 1,00,000 पे 18% 18,000 आ गया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में बोलते हैं सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिली है तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, लोगों से, बाकी लोगों से मिली है तो वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये नॉट लिंक टू प्राइस वाइज है, ये इसको उड़ा दो, फालतू कंफ्यूजन क्रिएट करती है। गवर्नमेंट से मिली है तो आपके वैल्यू में इंक्लूड नहीं होंगी। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दिया था कि गवर्नमेंट ने मेरे को बोला, भैया प्रणव जांडक तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो तू एक काम कर, तू बच्चों से जो 10,000 लेता है 10,000 मत ले, सिर्फ 6,000 ले, 4,000 हम तेरे को देंगे। ठीक है, तो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हुआ, 6,000, 4,000 तो गवर्नमेंट ने दिया है, तो मैं आपसे क्यों 10,000 पे टैक्स लूंगा, क्योंकि मेरी वैल्यू में अगर 10,000 ऐड कर दिया तो मैं आपसे 10,000 से टैक्स लूंगा, जबकि मैं पैसे आपसे सिर्फ 6,000 ले रहा हूं। तो अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है तो उसको वैल्यू में ऐड नहीं करते। बट वही ऑन द अदर हैंड, ये सब्सिडी किसी और से मिल रही है, मेरे पापा वाला एग्जांपल क्लास में बताया था मैंने, पापा बोलते बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक काम कर, तू आगे है ना, हर बच्चा जो पढ़ाएगा 10,000 की जगह उससे 6,000 लेना, 4,000 तेरे को मैं दूंगा, ये सिर्फ दिखावा था। हकीकत क्या थी, मैंने आपसे कैश में लिए थे, पापा को दिए और पापा को बोला तुम इसको वाइट करवा के मेरे को दो, तो बोलते ऐसा नहीं चलता, गवर्नमेंट से मिला है तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, बट अदर देन गवर्नमेंट मिला है तो वैल्यू में इंक्लूड होगा। मतलब पापा से अगर मेरे को 4,000 की सब्सिडी मिलती भी है तो भी पूरे के पूरे 10,000 पे मेरे को GST लगेगा, भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, समझा? ओके, ये थी इंक्लूजन्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, मतलब देखो ये छोटा सा, इतना सा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चार्ट है और इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है, हर एक चीज इसके अंदर कवर्ड है, ट्रस्ट मी। क्या करना है, आप मॉड्यूल से कंपेयर करके देख लो, इसके अंदर हर एक चीज कवर्ड है। अब जो चीज कवर्ड है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, वैल्यू से एक्सक्लूड क्या करते हैं, यहां पे डिस्काउंट की बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1,000 का सामान है, ये इसकी लिस्ट प्राइस है, ये इसकी लिस्ट प्राइस है, और इसमें से आपको मिला ट्रेड डिस्काउंट, बोलते हैं ना ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, मैडम वैसे तो 1,000 का है आपको 400 में दे देंगे, वैसे तो 1,000 का है आपको 400 में दे देंगे, तो 600 रुपए क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है बिकवाने के लिए। दिखता है, अरे बाप रे 60% ऑफ दे रहा है, तो GST कितने पे लगेगा, 400 पे, 400 पे ही GST लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके चलना है। सेकंड केस, एक 1,000 रुपए का सामान था आप मेरे पास आए, ठीक है
चलो 10,000 का सामान था, आप मेरे पास आए, आप बोले सर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह बात बोले, तो मेरे पास चल भाई ठीक है यार 30% का डिस्काउंट दे देता हूँ मैं तेरे को। अब मैंने आपसे कितने लिए? 7,000 लिए, और आपका जो बिल बनाया मैंने, आपका जो इनवॉइस बनवाया मैंने, उसके अंदर ये जो डिस्काउंट है उसको रिकॉर्ड करा मैंने, दिखाया कि भैया 10,000 रुपए माइनस 30% डिस्काउंट फॉर फाइनेंशियली नीडी पीपल, और 7,000 का इनवॉइस बनाया, मतलब ये डिस्काउंट। जब सप्लाई किया मैंने सर्विस या गुड्स, जब मैंने गुड्स या सर्विस सप्लाई करा, उस सप्लाई करते वक्त ये डिस्काउंट के बारे में बात हो गई थी, अरे डिस्काउंट पहले दिया था बाद में सप्लाई हुआ, अगर डिस्काउंट नहीं देते हम तुमसे प्रोडक्ट नहीं लेते, तो मेरा बिल कितने का होगा? 7,000 का। तो मेरा बिल 7,000 का है तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 7,000 पे। मतलब सप्लाई करने के पहले अगर आपने डिस्काउंट दिया है और ये डिस्काउंट बिल के अंदर रिकॉर्डेड है, ये डिस्काउंट बिल के अंदर रिकॉर्डेड है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो वैल्यू में नहीं आएगा। डिस्काउंट अगर सप्लाई के पहले दिया और ये बिल में इनवॉइस में रिकॉर्ड किया गया है, तो भैया वो डिस्काउंट को वैल्यू से एक्सक्लूड करना है, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे ही जीएसटी लगेगा, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। क्लियर है? ओके। बट बहुत से बार ऐसे होता है सर, बहुत से बार होता है ऐसे कि जो डिस्काउंट है ये दौरान समझ लो इस पॉइंट पे सप्लाई हुआ, इस पॉइंट पे सप्लाई हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने बोला ये था कि भैया आप ही मेरे पास आए, मैंने आपको बोला था कि भैया देखो अगर आप है ना 75% टैक्स में ले आए तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, आप 75 ले आए, मैंने आपको डिस्काउंट दिया। अब ये डिस्काउंट दिया कब? पहले लेक्चर तो दे दिए थे, लेक्चर तो पहले दे दिए थे ना, हाँ, तो सप्लाई हो गया था, सप्लाई के बाद में डिस्काउंट मिला, सप्लाई के बाद में डिस्काउंट मिला, वो जो कंडीशन थी उसको आपने फुलफिल करने के बाद में आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिला है सप्लाई के बाद में। बट इस डिस्काउंट के बारे में जो बातचीत है वो सप्लाई करते वक्त हो गई थी, इस डिस्काउंट के बारे में जो बातचीत है वो सप्लाई करते वक्त हो गई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी? अपनी जो अग्रीमेंट हुई थी दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हा या ना? तो जो कंडीशन, जो एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करती थी और उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए बाद में आपने डिस्काउंट दिया, तो भैया ये डिस्काउंट भी एक्सक्लूड हो जाएगा वैल्यू में से। मतलब सिंपल सी बात है, देखना है डिस्काउंट दिया कब, सप्लाई के वक्त या उसके पहले दिया, एक्सक्लूड करना है वैल्यू में से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई के बाद में दिया पर बात पहले हो चुकी थी, जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती थी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, हमने अग्रीमेंट कर रखा था, हमारी बात हो गई थी कि भैया इतना इतना जो सामान है आप अगर 100 माल बेचोगे तो आपको 2% डिस्काउंट है, 100 गुड्स बेचोगे 2% डिस्काउंट है। डिस्काउंट मिला कब? जब 100 गुड्स बेचे तब, पर इसकी बात तो पहले हो रखी थी, तो ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड किया जाता है, इस डिस्काउंट पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा, जो डिस्काउंट काटने के बाद का पैसा है उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है डिस्काउंट तो इसको एक्सक्लूड करो यार, इफ इट इज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट इन इनवॉइस, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, सप्लाई के बाद में डिस्काउंट दिया, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू, इसको वैल्यू में से एक्सक्लूड करो, अगर इफ सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द अग्रीमेंट, इफ सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द अग्रीमेंट विच एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई, ऐसी अग्रीमेंट जो सप्लाई करते वक्त एग्जिस्ट करती थी, आपकी बात हो रखी थी, प्लस इसको लिंक करा गया किसी स्पेसिफिक इनवॉइस के साथ कि भैया ये इनवॉइस से रिलेटेड ये डिस्काउंट है, 212 नंबर का जो इनवॉइस है जिसमें हमने 10,000 रुपए दिखाए थे उस पे ये डिस्काउंट दिया है, प्लस अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो मतलब वैल्यू में इंक्लूड नहीं हो रहा है, वैल्यू में इंक्लूड नहीं हो रहा है मतलब इस पे गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं जाएगा, तो इससे रिलेटेड जो आईटीसी है, इससे रिलेटेड जो आईटीसी है भैया वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। याद रखना ये बात कि भाई रिलेटेड आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है,
ये कंफ्यूजन होती है। डिस्काउंट की बात करते हैं अपन, इंक्लूडेड इन वैल्यू, मतलब वैल्यू में इंक्लूड हुआ, मतलब जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा मतलब आईटीसी ले सकते हो। एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू, अगर वैल्यू से एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब उस पे उसको वैल्यू में नहीं लिया तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, और जीएसटी नहीं लगेगा तो आईटीसी आप नहीं ले सकते। देयरफोर आपने अगर पहले ही ले रखा होगा तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये लिख के रख दो, बाद में कंफ्यूजन होती है। डिस्काउंट में अजीब अजीब डिस्काउंट आते हैं। एक आता है बाय मोर गेट मोर डिस्काउंट, बाय मोर गेट मोर डिस्काउंट। ये मैंने आई गेस आईटीसी में करवाएगा, ठीक है। यहां देख लो क्या है, बाय मोर गेट मोर डिस्काउंट। एक लेंगे तो 10% ऑफ, दो लेंगे तो 20% ऑफ, तीन लेंगे तो 30% ऑफ, चार लेंगे तो 40% ऑफ, पांच लेंगे तो 50% ऑफ। अब मैं जाके पांच टी शर्ट खरीद के आ गया, 50% ऑफ है। अब ये खरीदने के बाद में हुआ, पर इसकी बात तो पहले हो रखी थी, बात हो रखी थी ना, पांच लेंगे तो 50% ऑफ है, तो इसको वैल्यू में से एक्सक्लूड करते हैं। वैल्यू में से एक्सक्लूड किया मतलब गवर्नमेंट को इस पर जीएसटी नहीं जाएगा। गवर्नमेंट कहती है भूतनी को, इस पे का जो आईटीसी है वो रिवर्स करो, इस पे का आईटीसी जो है वो रिवर्स करो, समझा। सेकेंडरी डिस्काउंट, ये सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, ये होता है बाद में दिया गया डिस्काउंट। ये कब देते हैं, जब किसी का सामान बिक नहीं रहा है। जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर पार्ले का एग्जाम्पल दिया था, समझो बात को। क्या हुआ, एक बिस्किट बेचने वाला था, वो 10 रुपए का एक पैकेट बेचता था, और 10 रुपए का उसका वो जो भी सेलिंग प्राइस था, और मार्केट में बिक रहा था 12 रुपए 15 रुपए जो भी रेट है। तो पहले सप्लायर बोलता है 10 रुपए में मैं आएंगा तुमको, फिर आगे तुम 15 में बेचो। जो बेचने वाले रिटेलर वो बोलते सर बिक ही नहीं रहा है 15 में, आपने महंगा दे दिए। बोलते चल ठीक है 8 रुपए में ले ले, 2 रुपए डिस्काउंट दिया। कब, सप्लाई होने के बाद। और क्या ये 2 रुपए के डिस्काउंट की बात पहले हो रखी थी कि भैया आप 100 पैकेट बेचोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग डिस्काउंट है। जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, या जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट मिलता तो बाद में है, पर बात पहले हो रखी है। अब ये सेकेंडरी डिस्काउंट में क्या होता है, सेकेंडरी डिस्काउंट में होता ऐसे है कि भैया जब आप बेच दियो 10 रुपए में बेच दिए, अब आगे वाला बोलता है सर बिक ही नहीं रहा है स्टॉक पड़ा है, फिर उसको बोला एक काम करना 15 में नहीं बिक रहा है ना अब 12 में बेच। वो बोलता है सर मेरा मार्जिन कम होगा मैं नहीं बेचूंगा। चल भाई ठीक है 2 रुपए का डिस्काउंट ले ले, फिर भी नहीं बिका। अरे बाप रे, अब ये जो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, पहले तो अपन ने उसका इनवॉइस बना लिया था 10 रुपए का, अब बाद में उसको 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो इसके लिए नोट इश्यू करना पड़ेगा उसको, और जीएसटी पूरे के पूरे 10 रुपए लगेगा, क्योंकि ये डिस्काउंट आपके सप्लाई के बात करा है, प्लस ये डिस्काउंट की बात सप्लाई करते वक्त नहीं हुई थी, कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई। तो भैया ये वैल्यू में इंक्लूड होगा, इस पे जीएसटी लगेगा, और अगर जीएसटी लगेगा तो आप आईटीसी ले सकते हो, आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, समझे बात को। अच्छा ये होती है डिस्काउंट की बात। 15-4 कहता है कि भैया अगर 15-1 से आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो वैल्यू ऑफ सप्लाई को, मतलब एक दो चीजें हैं, एक तो बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी है, या दूसरा प्राइस के अलावा कुछ और मिल रहा है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तब 15-4 लगता है। 15-4 क्या कहता है, 15-1 नहीं रहा तो भैया एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड है, तो 15-4 तब लगता है। और जब ऐसा लगता है तो 15-4 मालूम है क्या बोलते हैं, जब बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी है या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो 15-1 नहीं लगता, बराबर ना। बायर सेलर रिलेटेड रहे, अपन ने क्या देखा था, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर दो कंडीशन है, बायर सेलर रिलेटेड नहीं होना, दूसरा प्राइस सोल कंसिडरेशन होना। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, बायर सेलर रिलेटेड रहे या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं रहा, तो 15-1 नहीं लग सकता, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे यकीन नहीं किया जा सकता, फिर क्या लगेगा, 15-4 लगेगा। और 15-4 क्या बोलता है, भैया अगर 15-1 नहीं लग रहा है तो अपन वैल्यूएशन रूल्स की तरफ जाएंगे, अपन वैल्यूएशन रूल्स की तरफ जाएंगे,
ठीक है ओके। अब अगला एक और पॉइंट है, एक मिनट रुक जाओ, अगला एक और पॉइंट है, ये लास्ट वाला, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस फैसिलिटेटर्स ऑफ बैंक, इसके अंदर मैंने ये डाल रखा है। इसके अलावा एक और बहुत जबरदस्त वाली अमेंडमेंट बतानी है मेरे को आपको, ठीक है। अब होता क्या है, बिजनेस फैसिलिटेटर्स, मेरे को यहां पे लिखने दो, ऑनलाइन गेमिंग का बताना है, ये जो अभी चार्ट आपको आएगा ना, उस चार्ट के अंदर ये डाल रखा है मैंने, मेरे पास उसका पीडीएफ नहीं था इसलिए मैंने बोला जल्दी जल्दी में निपटा दो ये। हाँ, होता क्या है, एक बैंक होती है, ये बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं, ये कस्टमर के पास, लोगों के पास जा जाके उनके अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं। तो कस्टमर के पास जाता कौन है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जाते हैं। बट ये मॉडल चलता कैसे, ये कस्टमर के पास जाएंगे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स, बराबर है, इनको बोलेंगे भैया हम तुम्हारा अकाउंट खुलवा देते हैं, फिर इनको बैंकिंग की सर्विस दी जाएंगी। अब कस्टमर्स को बैंकिंग की सर्विस कौन देती है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट दे रहा है या बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है, बताओ, या बैंक दे रही है? सर बैंक कस्टमर को सर्विस दे रही है, कस्टमर जो भी पैसा इनको दे रहा है ना, ये एज एन एजेंट, बैंक के एजेंट के भी आप पे ले रहे, तो कस्टमर का ट्रांजैक्शन बैंक के साथ है, बैंक कस्टमर को सर्विस दे रही है। फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के, तो बोले सर ये लोग भी तो बैंक को सर्विस दे रहे हैं, हाँ ये लोग भी बैंक को सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर लाके देने की, नए नए अकाउंट्स खुलवाने की। तो बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस फैसिलिटेटर्स को कमीशन देती है फॉर देयर वैल्यू, और ये कमीशन पे ही जीएसटी लगता है, जिसका जिसका पेमेंट बैंक को करना पड़ता है आरसीएम के तहत, अगर एग्जम्प्ट नहीं रहा तो। और एग्जम्प्ट कब रहता, अगर ये रूरल एरिया से रिलेटेड सर्विसेज है तो एग्जम्प्ट है, नहीं तो टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है तो पेमेंट बैंक करेंगी, ठीक है। ये मॉडल था, तो वैल्यू क्या रहेगा भैया, वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग जीएसटी ऑन सर्विसेज ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स टू बैंक, तो बोलते हैं बैंक की सर्विस प्रोवाइडर इन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मॉडल ऑपरेटेड बाय बैंकिंग कंपनी। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बैंक है, तो बैंक इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन एंटायर वैल्यू ऑफ सर्विस चार्जेस और फीस चार्ज टू कस्टमर्स। अच्छा कस्टमर की बात कर रही है, अरे अरे अरे, कस्टमर को जो फीस चार्ज कर रहे हैं उस पे जीएसटी कौन पे करेगी, बैंक पे करेगी, क्यों, क्योंकि बैंक सप्लाई कर रही है कस्टमर को, सर्विसेज दे रही है, कस्टमर इनको पैसे दे रहा है, बराबर है, ओके। दूसरा, बैंक सर्विस ले भी रही है किसकी, ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स की, तो जो कमीशन है उस पे जो जीएसटी लगने वाला है वो भी बैंक भरेंगे आरसीएम के तहत। देखो, बैंक कस्टमर को सर्विस दे रही है, जीएसटी पे करेंगी बैंक, ठीक है। सेकंड, बिजनेस फैसिलिटेटर्स या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स बैंक को सर्विस दे रहे हैं कस्टमर लाके देने की, मतलब बैंक सर्विस ले रही है, बट क्योंकि ये केस में आरसीएम लगता तो बैंक को ही गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बैंक ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, समझे, कंफ्यूज मत हो जाना, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक लास्ट वाली छोटी सी अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट पता है क्या बोलती है, ये अमेंडमेंट कहती है कि भैया अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होती है, ड्रीम इलेवन पता है, सबको पता है। अब ड्रीम इलेवन में क्या होता है, ड्रीम इलेवन में क्या होता है, प्रणव डालेगा 100 रुपए, रामू डालेगा एक मैच खेल रहे उसमें 100 रुपए, हमने दोनों 100-100 रुपए डाले, जो जीता उसको मिलेंगे 180 रुपए, 20 रुपए प्लेटफॉर्म अपने पास रखेगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि भैया ये ड्रीम इलेवन के लिए, ड्रीम इलेवन के लिए वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी है, जो एंट्री फीस रहेंगी ना 100-100 रुपए, ये 100-100, 200 रुपए पे जीएसटी लगेगा, हां जी
200 रुपए पे जीएसटी लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर, लूट जाएंगे। हाँ लूट गए। 200 रुपए पे जीएसटी लगेगा। प्लस याद रखना एक बात, इनकम टैक्स जो है वो एक तो मैं जीतूंगा या राम जीतेगा, दोनों में से जो भी जीता, जैसे मान लेते मैं ही जीता, मैं ही बाजी करूं, मैं ही जीता, तो मेरे को इनकम टैक्स लगेगा क्योंकि ये मेरी इनकम है। मेरे को इनकम टैक्स लगेगा ₹80 पे, जिसका टैक्स रेट रहेगा 30%। बराबर। अब ड्रीम 11 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आ गए, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आ गया, मतलब ये गुड्स हो गए। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है अमेंडमेंट्स, सप्लाई में बताया, चार्ज में भी बताया, अब फिर बता रहा हूं, गुड्स हो गए, इन पे जीएसटी लगेगा। अब ड्रीम 11 ने सर्विस कितने की दिया, अब ये मत बोल देना 20 रुपए का जो कमीशन ड्रीम 11 ले रही है उस पे जीएसटी लगता है, गड़बड़ हो जाएगी। 20 रुपए के कमीशन पे नहीं लगेगा। ड्रीम 11 को बोला भैया तू बता कि तूने पैसे कितने लिए लोगों से, बोले 200 रुपए ना, हाँ ये 200 रुपए पे जीएसटी लगेगा, 200 रुपए पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को लगा था 20 रुपए पे लगना चाहिए, बट अभी ऐसे ही बोल रखा है तो ऐसे ही मान लेते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, खत्म बात है, बात खत्म है। जो एंट्री फीस है दोनों की उस पर जीएसटी लगता है। सर तुमने थोड़ा ड्रीम 11 पे रिसर्च करना चाहिए था, मेरा वो धंधा नहीं है, मैंने जो बोला है 100-100 रुपए के बदले आपको 180 मिलते, हो सकता है 150 मिले, हो सकता है 120 मिले, मेरे को पता नहीं है, मैं कभी ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनाया, ठीक है ना, मैं आपको बस ऊपर ऊपर से मेरा अंदाजा बता रहा हूं, सिंपल बात। ओके चलो, कितना टाइम हो गया भैया, 32 मिनट के अंदर पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गया। अगला चैप्टर आएगा आईटीसी, आईटीसी खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट अपना मोस्ट ऑफ दी चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर एक रजिस्ट्रेशन और बाद में छोटे मोटे चैप्टर बचे, उसका मैं इतना टेंशन ले भी नहीं रहा हूं। यहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि भैया आपने हर एक चीज पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस बनाने चाहिए। जो बच्चा YouTube पे का है मैं उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, बट तुमको मैं मार मार के करवाऊंगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको करना है। ये सब जो ये लोग छपरी बने करते हैं ना कि भैया लेके बैठेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, एक घंटे के अंदर 3 क्वेश्चन लिखवाते हैं, और ये 3 क्वेश्चन लिख के आपने क्या हासिल कर लिया, वो एक घंटा अगर खुद से पढ़ते ना तो 8 क्वेश्चन लिखते थे। तो जबरदस्ती के झांसे में आओ मत, ठीक है, अपना खुद का पढ़ाई करो ढंग से, ठीक है। वीडियोस आती रहेगी, मैं आपको सेशन के लिए लिंक डालता रहूंगा, मैसेज आ जाएगा आपको, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चा YouTube पे देख रहा है आपसे गुजारिश है कि प्लीज अपनी पढ़ाई को ध्यान रखिए, टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर। YouTube पे जैसे ही सेशन क्लास में हो जाएंगे मैं इसको YouTube पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्त भाई बहन जो भी है CA CS CMA कुछ भी कर रहा है जिसको टैक्स पढ़ना है उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।